बाएं हाथ का नियम, प्रेमी के बाएं हाथ का नियम जिसे बायां हस्त नियम भी कहते हैं, अपने हाथों की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए। अपने हाथ की तर्जनी, मध्यमा या अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के प्लस पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय छेद की दिशा और मध्यमा चालक में प्रभावित धारा की दिशा की ओर संकेतित करती है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा या बल की दिशा को संकेत करता है। इसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपको समझ में आया हो। अगर हम अपने बाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तो जो तर्जनी उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र और जो बीच वाली उंगली है जिसे मध्यमा कहते हैं ये धारा की दिशा और अंगूठा उस पर लगने वाले बल की दिशा बताती है। इसे हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं।